जय हिंद बच्चों, मुझे पता है कि आप लोग वोकैब के लिए काफ़ी कुछ बुक्स रेफ़र करते हैं और उन बुक्स से कोई रिज़ल्ट नहीं आ पाता। कहने का मतलब, अगर आपने 10 वर्ड लर्न किए हैं तो 10 दिन बाद में आप उन सारे वर्ड्स को भूल जाते हैं। कभी देखा होगा आपने तरीका, इवन आप सेंटेंस भी बनाओ तभी भी आप आसानी से भूल जाते हो उन वर्ड्स को। मुश्किल होता है इन वर्ड्स को याद करना। देखिए, ये तरीका क्यों होता है, क्योंकि कोई भी बुक अगर आप रेफ़र करते हो तो उस बुक में जो वर्ड्स लिखे होते हैं, ठीक है, वो डिक्शनरी मेथड से लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए से अगर है तो सारे वर्ड्स ए से लिखा होगा, फिर उसके बाद बी है तो सारा वर्ड्स बी से लिखा होगा। एक चीज बताइए, इस मेथड को हम लोग बोलते हैं डिक्शनरी मेथड। यहां पे प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी आप इन वर्ड्स को लर्न करते हो तो पहले वर्ड और सेकेंड वर्ड में कोई भी रिलेशन नहीं होता है, किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होता है। तो जब वो वर्ड्स में रिलेशन ही नहीं है तो फिर आप उन वर्ड्स को याद नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप वो वर्ड्स एक साथ यूज नहीं कर पाते हो। अब मैं बता देना चाहता हूँ एक ऐसा तरीका जिससे कि आप वर्ड्स बड़े आसानी से याद कराओ, और मैं बताऊँगा ये सोर्स भी कि कहाँ पे आप ये वर्ड्स मिलेंगे आपको। देखिए, ये वर्ड है जिसको मैं बोलता हूँ, जिसको नाम दिया है मैंने वर्ड फैमिली मेथड। अब ये वर्ड फैमिली मेथड क्या है, हम शब्द लर्न करते हैं वर्ड्स, और वो वर्ड्स एक कंप्लीट एक फैमिली एक कैटेगरी से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक वर्ड बोला मोनार्की, कोरोनेशन, राइन, आर्सेनल, कैविलरी, इन्वेड। अगर आप इन वर्ड्स को ध्यान से देखो, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये एक रूल से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, मोनार्की, इट्स ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय अ किंग। कोरोनेशन, जिसको राज्य तिलक बोलते हैं, इट्स ए अपॉइंटमेंट, इट्स अ सेरेमनी ऑफ अपॉइंटिंग अ क्वीन और क्वीन। राइन, इट्स अ रूलिंग पीरियड ऑफ अ किंग, ठीक है। फिर उसके बाद में आर्सेनल बोले, आर्सेनल, इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स। कैविलरी मीन्स इट्स अ आर्मी ऑन फुट। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स एक मोनार्की एक किंग से रिलेटेड हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड फैमिली मेथड। अगर आप इस तरह से इन शब्दों को अगर आप लर्न करोगे तो आपके लिए बड़े आसान होता है इनको लॉन्ग टर्म दिमाग में रखना और यूज करना, क्योंकि ये वर्ड्स एक के बाद एक जरूर यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि सर ये तरीका कहाँ से, ये वर्ड्स कहाँ से मिलेगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आप न्यूज़पेपर जब भी आप पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ पर्टिकुलर टाइप से रिलेटेड होता है, ठीक है। या एक ऑडिटोरियल पढ़ते हो तो ज़रूर किसी न किसी प्रॉब्लम या किसी न किसी फिलॉसफी से ही जुड़ा होता है, और इसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हो कहीं ना कहीं वो वर्ड्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, जो कि एक वर्ड फैमिली बनाते हैं, ठीक है। तो आप वोकैब लर्न करने के लिए आप न्यूज़पेपर इज़ द बेस्ट वे। आप न्यूज़पेपर पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए, उन एडिटोरियल्स को आप कट कीजिए जो आपको अच्छे लगे हैं, और उसके अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसको एक जगह नोट कीजिएगा और उसके मीनिंग को भी लिखिएगा। तो ये तरीका सबसे बढ़िया होता है अपने वोकैब के काम वोकैब पे काम करने का। तो ज़रूर आप ये तरीका अपनाइए और अपने वोकैब को इम्प्रूव कीजिए। इससे क्या होगा, एक आपका करंट अफेयर्स भी इम्प्रूव होगा, रीडिंग स्किल भी आपकी डेवलप होगी। और देखिए, आज कल अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ इंग्लिश सेक्शन की, तो आजकल इंग्लिश में वो व्यक्ति ही सेलेक्ट होता है जिसकी इंग्लिश वाकई में अच्छी है। अगर आप सोचें कि मैं खाली ग्रामर रट लूँगा तो नहीं भाई, वो दिक्कत, अब वो टाइम नहीं है। आपको एग्जैक्ट उस लेवल पे आना पड़ेगा, मतलब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके वोकैब अच्छे होने चाहिए। तो ज़रूर आप इस तरीके को अपनाइए, एनडीए 2022 में जो आपका सपना है एनडीए जाने का, वो ज़रूर पूरा होगा, ठीक है। और इसी सपने को पूरा करने के लिए हम अकेडमी के एजुकेटर से एक बैच कोर्स लेके आ रहे हैं जिसका नाम है रक्षक, जिसमें मैथ्स आपको अनुसेठ सर पढ़ाएंगे, सुमित सर आपको जीएस, मयंक सर भी आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, श्याम सर आपको पढ़ा रहे हैं साइंस, और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश। तो आप ज़रूर इस रक्षक बैच में एनरोल कीजिए। अगर आप अनअकैडमी पे नहीं है तो अनअकैडमी सब्सक्राइब कीजिए, मेरा रेफरल कोड है anish.pathak, ठीक है। 1 दिसंबर से बैच कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर तैयारी नहीं है आप बैच कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ वो कैब और ये सारी इंप्रूव करने का, तो ये तरीका आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा। जय हिंद।